जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए मैं कमाल का पेनी स्टॉक लेकर आ गया हूँ। उस कमाल के पेनी स्टॉक का नाम है एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में देखेंगे तो पिछले कई दिनों से लगातार तेजी तेजी से स्टॉक में देखने को मिल रही है। स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और कहीं भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब से चला है स्टॉक लगातार ऊपर ही जा रहा है। किसी भी व्यक्ति ने किसी भी लेवल पर इस कंपनी के शेयर्स को बाई किया होगा तो उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। और इसका प्राइस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको जब से चलना शुरू हुआ है प्राइस धीरे धीरे करके लगातार ऊपर जा रहा है, तो समझेंगे प्राइस कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ पे जाकर ठहरेगा, कहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा। जो लोग रिजेक्शन का वेट करें ताकि थोड़ा कम प्राइस पे इसको बाई कर सके, और फिर उस रिजेक्शन का मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर रिजेक्शन लेकर प्राइस ऊपर जाएगा ताकि न्यू एंट्री आप इसमें ले सके। एवरेजिंग करना चाहते तो आप यहाँ पे एवरेजिंग भी कर सके। और साथ में तमाम डिटेल्स देने वाला हूँ इस स्टॉक के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, कैसी है, इसका फ्यूचर क्या है, इसमें जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है, जिसको नया इन्वेस्टमेंट करना, उन्हें क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को शुरू से एकदम सब चीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंपनी काम क्या करती है, कि इसके जो शेयर में तेजी आ रही है उसके पीछे की वजह इसमें कहीं छुपी है कि नहीं। देखिए, ये आपको नाम से स्पष्ट है कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कंपनी काम करती है। बेसिकली सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है और जो आईटी के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है उनको बेचती है, तो ये इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम हो गया। काम काफी बढ़िया है। देखिए, आईटी से रिलेटेड जो कंपनियां काम करती हैं, जो उससे संबंधित प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनकी डिमांड फ्यूचर में भी रहेंगे, क्योंकि आपको पता है एआई का जमाना आ रहा है। और एआई के जमाना में जो कंपनी आईटी में जो सॉफ्टवेयर के सेक्टर में कंपनी काम करती है उसका बोलबाला रहेगा ही रहेगा। तो काम के बेसिस पे देखें तो कंपनी काफी इंपॉर्टेंट नजर आती है। और उसके साथ ही जब हम इसका फंडामेंटल देखते हैं, क्योंकि देखिए उसे तो पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक में फंडामेंटल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं जहां पर यदि ओके ओके है तो मान के चलते हैं पेनी स्टॉक आगे कमाल करेगा। तो सबसे पहले मार्केट कैप देखते हैं, 300 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन, ये बढ़िया चीज है। 300 से प्लस ऊपर है पेनी स्टॉक तो ये ठीक है। स्टॉक का पीई काफी महंगा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, तो इसलिए पीई का महंगा होना जायज बात है, लेकिन इतने महंगा पीई पे हम इसको बाई नहीं करेंगे। मैं आपको चार्ट पर लेवल देकर बताऊंगा कहाँ पे आपको इसमें एंट्री लेना है। शेयर प्राइस देखेंगे तो 1.65 रुपये के आसपास पहुंच गया है, जो कि अभी भी इसके बुक वैल्यू से कम है। बुक वैल्यू से शेयर प्राइस ज्यादा हो जाएगा जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, और ये होना भी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी अभी यहाँ पे पता नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक में सामान्यतः रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे गायब होता नहीं दिखता। हालांकि अब जाकर बढ़ना शुरू हुआ है, तो जब एक अच्छा खासा बढ़ जाएगा प्राइस, तो उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझा, पूरा फंडामेंटल नहीं समझे, कुछ फंडामेंटल को बाद में समझेंगे, लेकिन उसके पहले कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि कंपनी का जो चार्ट है वो क्या बोलता है, हमें कहाँ पे एंट्री और एग्जिट करना है। एक साल के चार्ट को मैंने ओपन किया हुआ है, और ये देखिए इस लेवल को यदि हम रेजिस्टेंस मान लें 40 पैसे के लेवल, जो कि एक सच में इसके लिए रेजिस्टेंस था भी, यहाँ पे कई बार इसने रेजिस्टेंस लिया भी था, और इस लेवल को इस बार इसने नवंबर 2023 के करीब पार किया, इस लेवल को ब्रेक किया। और जब से इसने ब्रेक किया है तो प्राइस देखेंगे लगातार ऊपर जा रहा है, प्राइस कहीं पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि 40 पैसा से बढ़ गया, 1.80 रुपये तक किया है, कोई बहुत बड़ा नहीं बढ़ा है, लेकिन जब पेनी स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये जो गैप है यहाँ से जहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ था और अभी तक जहाँ तक पहुँचे, काफ़ी बड़ा गैप है। परसेंटेज में देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। तो अब समझिए अब करना क्या है, ये प्राइस अभी ऊपर कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ऑल टाइम हाई बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है, और ऑल टाइम हाई में कहाँ तक प्राइस ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता होता। हमें ये जरूर पता है कि जब भी प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है तो थोड़ा सा उसमें करेक्शन होता है, थोड़ी सी प्राइस रजिस्ट करने नीचे आती है और फिर कहीं पर सपोर्ट लेके प्राइस रजिस्टर करके ऊपर उठती है। तो जहाँ से भी प्राइस ऊपर उठने लगते हैं यहाँ पर हम एवरेजिंग करते हैं, नया बाई करते हैं। तो अभी आपको इसमें चुपचाप वेट करना है, इस प्राइस को जहां तक जा रहा है जाने दीजिए। जहां से प्राइस थोड़ा सा घूम के नीचे आएगा और नीचे अगर फिर उठने लगेगा तो हम लोग वहां पे एंट्री लेंगे, और तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे जहाँ पे जहाँ से प्राइस घूम के फिर से ऊपर जाने लगेगा, और यहाँ पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो आपको रिग्रेट नहीं करना, जो लोग को अभी तक इसमें एंट्री नहीं लिए हैं उन्हें चुपचाप बस ये इस पे नज़र बना के रखना है कि ये स्टॉक में करेक्शन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, कहीं पर तो जाकर इसमें प्रॉफिट बुकिंग। मेरा अनुमान है कि 2-2.5 रुपये के करीब जाएगा, 2 से 2.5 रुपये करीब, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, या वहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले सकता है जहाँ से प्राइस थोड़ी सी करेक्ट होने के लिए नीचे आएगी कंपनी का शेयर प्राइस, और फिर हम वहाँ पे इसमें एंट्री बनाएंगे। अभी आपको मैं फिर कह रहा हूँ, चढ़ती हुई रेलगाड़ी में चढ़ने की कोशिश नहीं करना, वरना इससे अपना ही नुकसान होगा। आप धैर्य रखिए, धैर्य रखेंगे तो आपको फिर मौका मिलेगा और फिर आप इसमें पैसा बनाएंगे। और फंडामेंटल में कुछ अन्य चीज़ों को भी समझते हैं, जैसे कंपनी के क्वार्टर्स रिजल्ट को समझते हैं। कंपनी के क्वार्टर्स रिजल्ट आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के सेल्स हुए हैं वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़े हैं। 19 करोड़ के आसपास कंपनी के सेल्स हुए, जो पिछले क्वार्टर में 16 करोड़, उसके पहले 2 करोड़, उसके पहले सिर्फ 58 लाख। यानी कि आप देख सकते हैं लगातार कंपनी के जो सेल्स हैं उसमें इजाफा हो रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है,
और सेल्स बढ़ने के साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, साथ में नेट प्रॉफिट मायने रखता है, क्योंकि एक टैक्स देने के बाद कंपनी के पास पैसा, यह भी आप देखेंगे तो जबरदस्त बढ़ा है, 69 लाख से बढ़कर 1,92,00,000 हो गया है। तकरीबन यहाँ पे कह सकते 3 गुना के करीब आपको इसका नेट प्रॉफिट दिखाए। तो फंडामेंटल में ये भी चीज आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, इसके अलावा बैलेंस शीट देखिए, ये भी फंडामेंटल्स में ही आते हैं। बैलेंस शीट में जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो कंपनी के डेप्ट है, डेप्ट फ्री है कंपनी को, कोई कर्जा नहीं है, प्लस साथ में जो कंपनी का रिजर्व पैसा होता है जो फ्री कैश फ्लो, वह आप देखेंगे तो यह भी आपको बढ़ते हुए यहाँ पे दिखा है इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और शेयर प्राइस जो काम करता है कंपनी उसके बदौलत आगे भी ऐसे ही ग्रो करते रहेगा। तो ओवरऑल यदि हम लोग बात करें एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, तो एक बेहतरीन स्टॉक निकलकर सामने आ रहा है हमारे सामने, और इसमें आपकी एंट्री सही समय पर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में भी एक अच्छा खासा इस स्टॉक में कमाई करने के मौके मिलेंगे। लेकिन अभी इसमें चढ़ने के लिए, इसमें बाय करने के लिए सही अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। इससे रिलेटेड मन में कोई अन्य सवाल है, कोई कन्फ्यूजन, कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।